नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री अड्डा सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम डिटेल में अध्ययन करेंगे ब्रिमेटो के बारे में, ये कहां से बना है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनने वाले हैं वो सभी के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो आपका टाइम ना ज़्यादा लेते हुए चलते हैं, शुरू करते हैं। कुछ टर्म हैं जो इसमें यूज होते हैं उन्हें पहले डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें आगे की प्रोसेस में समझने में आसानी हो सके। जो पहला टर्म है साइन सूट। साइन सूट जो होता है, इट इज़ सूट विच प्रोसेस मैनी बर्ड्स डैट इज ग्राफ्टेड ऑन अपर पोर्शन ऑफ द रूट स्टॉक। जो साइन सूट होता है इस पर कई सारी बर्ड्स उपस्थित होती हैं, ये जनरली 10-15 सेंटीमीटर की एक स्टिक होती है। डैट इज ग्राफ्टेड ऑन अपर पोर्शन ऑफ द रूट होता है, ये रूट स्टॉक के ऊपर ग्राफ्ट की जाती है। जो ग्राफ्टिंग रूट के ऊपर का हिस्सा होता है उस पर दूसरी जगह से लाकर उस पर ग्राफ्ट करते हैं, उसे साइन सूट बोलते हैं, दैट इज साइन सूट। एंड जो लोअर पोर्शन होता है उसे रूट स्टॉक बोलते हैं। तो रूट स्टॉक की डिफिनेशन देख लेते हैं, एक सिंपल लैंग्वेज में एक वन लाइनर डिफिनेशन इनफ। साइन सूट, जो साइन सूट होता है, इट इज सूट विच प्रोसेस मैनी बर्ड्स दैट इज ग्राफ्टेड ऑन अपर पोर्शन ऑफ रूट स्टॉक। जो साइन सूट होता है उस पर कई सारी बर्ड्स उपस्थित होती हैं और ये 10-15 सेंटीमीटर स्टिक होती है, उसे रूट स्टॉक के अपर पोर्शन पर ग्राफ्ट कर दी जाती है, इसे साइन सूट बोलते हैं। दूसरा है आपका रूट स्टॉक। तो रूट स्टॉक जो होता है, इट इज बेसल पार्ट ऑफ प्लांट ऑन ग्राफ्टेड साइन सूट अप टेकिंग वाटर मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। जो बेसल पोर्शन ऑफ द होता है प्लांट का, और उस जो कि मिनरल्स एंड सॉइल मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स सॉइल से अपटेक करता है और साइन को प्रोवाइड करता है, दैट इज अ रूट स्टॉक। एंड अगला है आपका इंटर स्पेसिफिक ग्राफ्टिंग। इंटर स्पेसिफिक ग्राफ्टिंग मीन्स ग्राफ्टिंग डन बिटवीन टू डिफरेंट स्पेसिफिक प्लांट, दैट मीन्स किसी दो स्पीसीज के बीच में अगर ग्राफ्टिंग की जा रही है तो उसे इंटर स्पेसिफिक बोलेंगे। जैसे कि सोलेनम लाइकोपर्सिकम, जो आपका टमाटो हो गया, इंटू सोलेनम मेलोजीना जो कि ब्रिंजल हो गया, अगर इनके दोनों बीच में ग्राफ्टिंग कराते हैं तो इसे बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक ग्राफ्टिंग। एंड जब सोलेनम मेलोजीना एंड एबल मॉचस स्कुलेंटस के बीच में कराएंगे तो इसे इंटर जेनरिक बोलेंगे, इंटर जेनरिक, क्योंकि यहाँ पर जीनस भी चेंज हो रहे हैं इसलिए इसे इंटर जेनरिक बोलेंगे। और सोलेनम लाइकोपर्सिकम इंटू सोलेनम मेलोजीना के बीच में कराएंगे तो इसे इंटर स्पेसिफिक बोलेंगे, किन्हीं दो स्पीसीज के बीच में कराएंगे। जब आपका एक टर्म आता है हार्डनिंग। हार्डनिंग जो होती है, हार्डनिंग जनरली इंक्रीज द एडाप्टेबिलिटी कैपेसिटी ऑफ प्लांट टू प्लांटेड इन न्यू फील्ड फ्रॉम ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर या ओपन नर्सरी। जब नर्सरी या नर्सरी को उगाते हैं या कंट्रोल एटमोसफेयर पर उगाएं, जैसे कि ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, लेथ हाउस और या नर्सरी ओपन नर्सरी में उगाएं, तो उसको ट्रांसप्लांटिंग के पहले किसी नए फील्ड में हार्ड किया जाता है, जैसे कि इरीगेशन चेक कर दी जाती है 6 to 10 days before इन केस ऑफ ओपन नर्सरी सिचुएशन में अगर कोई सीडलिंग तैयार की गई है तो उसमें 6 से 10 दिन पहले इरिगेशन को रोक देंगे, और जब हमें उसे ट्रांसप्लांट करना होगा उसके एक दिन पहले लाइट इरिगेशन देंगे, मतलब कि हल्की इरिगेशन तो देंगे ताकि सीडलिंग को अच्छी तरीके से निकाला जा सके, ताकि उसकी रूट डैमेज ना हो। और इन केस ऑफ अगर ग्रीन हाउस में सीडलिंग उगाई जाती है या ग्रो की जाती है तो उसे ग्रीन हाउस से, क्योंकि वहाँ पर कंट्रोल एटमॉस्फेयर होता है, ह्यूमिडिटी टेम्परेचर सब कंट्रोल में रहता है, लेकिन उसे डायरेक्ट अगर फील्ड में करेंगे तो मोर्टेलिटी हो जाएगी, मतलब कि ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो उसे नेट हाउस, याद रखिएगा नेट हाउस को यूज करते हैं, उसमें रख दिया जाता है ताकि वो हार्ड हो जाए, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट में करेंगे नहीं, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए ग्रीन हाउस से निकाल के नेट हाउस में रख दिया जाता है। ये नेट हाउस जो होता है पार्सली सनी सिचुएशन क्रिएट कर देता है, इसलिए इसमें रखते हैं ताकि प्लांट को डायरेक्ट एडाप्टेबल कंडीशन में ना लाया जाए,
ताकि वो हार्ड अच्छी तरीके से सर्वाइव हो जाए, इसलिए से नेट हाउस में रखना जरूरी है, हार्डनिंग अवश्य है जरूरी है। तो इतना आप लोग समझ गए। अब देखते हैं जो कि ब्रिमेटो है उसकी प्रोसेस क्या है, कैसे डेवलप किया गया है, क्या क्या उसमें, मतलब कि एक स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं आसानी से। सबसे पहले क्या करेंगे, रूट स्टॉक सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में साइन सूट सेलेक्ट कर लेंगे। रूट स्टॉक अपना सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद साइन सूट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद ग्राफ्टिंग कर दिया जाएगा, ग्राफ्टिंग कर देंगे। उसके बाद सीडलिंग केप्ट कंट्रोल एटमॉस्फेयर, जो ये ग्राफ्टिंग की जाएगी वो एक कंट्रोल एटमॉस्फेयर में कर देंगे, यानी कि ग्रीन हाउस मिस्ट चम्बर लाइक डैट स्ट्रक्चर में किया जाता है। ठीक, तो जो सीडलिंग केप्ट रखी जाती है वो कंट्रोल एटमॉस्फेयर में करती है, जहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी टेम्परेचर ये सब कंट्रोल में रहता है। और फाइव टू सेवन डेज में उसे रखा जाता है, बाद में उसे हार्डनिंग कर दी जाती है। 5 to 7 days के लिए से नेट हाउस या पार्सली सेडी प्लेस पर रख दिया जाता है। अगला स्टेप है प्लांटेड इन फील्ड आफ्टर 15 to 18 days आफ्टर ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के 15 से 18 दिन बाद इसे फील्ड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है प्लांटिंग के लिए 15 से 18 दिन के बाद उसे फील्ड में प्लांटिंग के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद स्टार्ट फ्रूटिंग आफ्टर 60 to 70 days डेज आफ्टर प्लांटिंग। प्लांटिंग से लगभग 2 महीने के बाद फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसमें क्या होता है कि जो रूट स्टॉक होता है उसकी टेंडेंसी होती है, उसमें दो ब्रांचेस आती हैं। तो एक ब्रांच में क्या होता है, टमाटर की ग्राफ्टिंग कर दी जाती है, और एक ब्रांच में ब्रिंजल की। तो एक ब्रांच जो होती है उसमें टमाटो की फ्रूटिंग होती रहती है, आप जैसे चित्र में देख सकते हैं, और एक ब्रांच में आपकी ब्रिंजल की फ्रूटिंग होती रहती है। तो दोनों रूट स्टॉक एक हो गया, दो क्रॉप ली जा रही है, तो दोनों की फ्रूटिंग अच्छी होती है। ये देखिए, इसमें ब्रिंजल है, इसमें आपका टमाटो है, ये आपका रूट स्टॉक हो गया, दो ब्रांचें। ये इसका करेक्टर है रूट स्टॉक का, जो कि ब्रिंजल का रूट स्टॉक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ब्रिमेटो, तो ब्रिमेटो क्या है, पहले तो समझ लेते हैं ब्रिमेटो का मतलब क्या है, किसका कॉम्बिनेशन है। तो ब्रीमिश होता है ब्रिंजल, अब याद रख सकते हैं ब्रिंजल, और टमाटोमिस टमाटो। इसके ब्रिंजल और टमाटो के जो कम्बिनेशन है उसे ब्रिमेटो बोलते हैं, जो कि इंटर स्पेसिफिक ग्राफ्टिंग के द्वारा तैयार किया जाता है। याद रखिएगा, इंटर स्पेसिफिक ग्राफ्टिंग के द्वारा तैयार किया जाता है, क्योंकि इसमें जीनस तो सेम रहेंगे लेकिन स्पीसीज चेंज हो जाती हैं। और इसका करेक्टर क्या है, इट इज रेजिस्टेंट टॉलरेंस अगेंस्ट, जो कि ये रेजिस्टेंट होता है, इसकी इम्पॉर्टेंस है। ये रेजिस्टेंट होता है या टॉलरेंस थोड़ा होता है, जो कि बायोटिक एबायोटिक स्ट्रेस, बायोटिक मीन्स लाइक डिजीजेस, लेड ब्लाइट, फ्यूजेरियम विल्ट, बैक्टीरियल विल्ट, एंड एबायोटिक स्ट्रेस मीन्स फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लाइक पफनेश, मैनी क्रैकिंग, मैनी डिजीजेज विच आर नॉट कॉज्ड बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन नोन एज बायोटिक स्ट्रेस, एंड साल्ट लाइक डैट। एंड नेक्स्ट है विच रूट स्टॉक यूज, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। IC 111/056 इसे यूज किया जाता है रूट स्टॉक के रूप में, जो कि ब्रिमेटो में रूट स्टॉक के रूप में यूज किया जाता है, जो कि ब्रिंजल का रूट स्टॉक, ब्रिंजल का है ये। ठीक, इसका साइंटिफिक नेम होता है सोलेनम टोरम, जिसकी टेंडेंसी क्या होती है, दो ब्रांचेज अराइज होती हैं, दोनों ब्रांच में, एक ब्रांच में ब्रिंजल को ग्राफ्ट कर देते हैं, एक ब्रांच में टमाटो को ग्राफ्ट कर देते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है आपका विच वैरायटी यूज्ड एज, जो साइन के रूप में जो वैरायटी यूज की जाती है उसमें आपके हो जाती है काशी संदेश, जो कि ब्रिंजल की जो ग्राफ्ट की जाती है साइन वो है काशी संदेश वैरायटी, और जो टमाटो की होती है वो काशी अमन वैरायटी। और काशी अमन की एक और भी खासियत है, ये कोल्ड स्टेट वैरायटी है, जहाँ पर टेम्परेचर 0-8 degrees के नीचे होता है वहाँ पर भी ये सर्वाइव कर जाती है काशी अमन। और विच अगला है विच ग्राफ्टिंग मेथड अप्लाइड,
जो इसमें ग्राफ्टिंग के लिए जो मेथड यूज करते हैं वो साइड ग्राफ्टिंग या स्प्लाइस ग्राफ्टिंग, स्प्लाइस ग्राफ्टिंग का यूज करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे साइन सूट बोलते हैं, ऊपर का हिस्सा जो होता है साइन सूट बोलते हैं, जिस पर कई सारी बड़े होती हैं, जिससे इसमें दो बड़ा हैं आप देख सकते हैं। और जो नीचे का हिस्सा होता है उसे रूट स्टॉक बोलते हैं, जो कि वाटर मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करता है। रूट मीन्स रूट, रूट से डायरेक्ट आप इंडिकेट कर सकते हैं रूट स्टॉक। ब्रिमेटो से बनने वाले क्वेश्चन थे सारे मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। यदि आपको वीडियो ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट अवश्य करिएगा। कैसा लगा वीडियो आपको, कैसे क्वेश्चन था, कैसा मैटर था, आप इसके बारे में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। धन्यवाद।